السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. تقريبا छः लाइन पर मुश्तमिल हदीस मैंने आपके सामने पेश की है जिसको रिवायत करने वाले वो सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के वो सहाबी हैं जिनका मकाम जानने के लिए बस यही बात काफ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान मजीद को सुनना पसंद करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। इनकी बहुत बड़ी खूबी एक ये थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी सुरीली आवाज़ दी थी। कुरान मजीद जब भी तिलावत करते हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद तो इनकी तिलावत का अंदाज़ अल्लाह के नबी को बहुत प्यारा होता। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते कि आप कुरान मजीद को पढ़ें, मैं आपकी आवाज़ में कुरान मजीद को सुनना पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला ने इनको ये खूबी दी थी, जब ये कुरान मजीद पढ़ते तो हर कोई इनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाता। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में बस आप यही कहा करते थे निअमा रजुल अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़ा अच्छा आदमी है। लौकान युसल्ली बिललैल, अगर ये अब्दुल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता तो ये सबसे अच्छा आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के सिलसिले में आप बहुत सारी खूबियों को बयान करते थे। ये आपका मकाम था और आपकी फजीलत थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। रावी हदीस क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, लोगों तुम पर सच बात कहना ज़रूरी है, लाजिम है। फ़इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर, क्योंकि सच्ची गुफ्तगु इंसान को नेकी की रहनुमाई करती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी बराबर सच बात कहता है, सच्चाई को लाजिम पकड़ लेता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका, जिंदगी में उसका जब सच बोलना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, सच्चाई को वह अपनी आदत बनाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मरने के बाद अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस आदमी को सिद्दीक़ के नाम से पुकारेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने इस हदीस के आखिर में कहा व इय्याकुम वल कज़िब, लोगों खबरदार झूठ बोलने से बचो। फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ बात इंसान को गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलल नार, और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ रहनुमाई करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा बराबर झूठ बोलता है और झूठ को अपनी आदत बनाता है, अपनी ज़रूरत बनाता है, झूठ पर अपने आप को बसा लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता युक्तब इंदल्लाह कज़्ज़ाबा, अल्लाह क़यामत के दिन उस आदमी को कज़्ज़ाब के नाम से पुकारेंगे। ये पूरी हदीस का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पेश की, अल्लाह ताला ने अहले ईमान से खिताब करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से खौफ खाओ, वकूनू मअस्सादिकीन, और तुम अपना शुमार सच बोलने वालों में से अपना शुमार कर लो। देखिए यहाँ पर आयत में गौर करें, अल्लाह खिताब किया कर रहा है अहले ईमान से, तो अहले ईमान से खिताब करने के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत में तकवा और सच्चाई को एक साथ मिला दिया है।
इत्तकुल्लाह वकुनु मा सादिकीन। मालूम यह हुआ कि जिस आदमी के अंदर तकवा होता है सच बोलना उसकी आदत बन जाती है, और जिस आदमी के अंदर तकवा नहीं होता है झूठ बोलना उसका शेवा बन जाता है। तो तकवा है तो सच है, तकवा नहीं तो झूठ आदमी के अंदर आ जाता है। ये बहुत बड़ा नुक्ता अल्लाह ने इस आयत में बयान किया है। चलिए अब इस आयत इस हदीस की तशरीह आपके सामने पेश करने से पहले इस बात को जान लें कि आज अक्सर लोग ये समझते हैं कि झूठ बोलने की वजह से हमारा मसला हल हो जाएगा, हम परेशानियों से बच जाएंगे। जबकि इस बात को जान लें, असहाबुल गार का जो वाकया है, वो तीन जो अशखास जो गार में बंद हो गए थे, आप जानते हैं इस वाकये की पूरी तफसील को आप जानते हैं। जब गार का दरवाज़ा बंद हो गया था, पत्थर वहाँ पर आकर गार के दरवाजे को बंद किया था, तो अब उन लोगों के निकलने का कोई चांस नहीं था, या तो मरना चांस था या तो फिर अपने आप को सरेंडर करना था। उस वक्त इन तीन लोगों ने क्या किया, अल्लाह ताला से अपने सच बोलने का वादा किया कि अल्लाह जिंदगी में हम जो भी काम किए अल्लाह सच बोल कर अल्लाह तेरे सामने हम अपने गुनाहों को पेश करते हैं। सच्चाई को उन्होंने लाजिम पकड़ा, अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों को उन्होंने अल्लाह के सामने पेश किया, सच गुफ्तगू की, तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह से उस गार के दरवाजे को अल्लाह ने खिसक दिया, खोल दिया। उसके बाद ये तीनों बचकर आ गए गार के उस दरवाजे से। तो यहाँ पर इस वाकये में बाज उलमा ने इस नुक्ते को निकाला कि अगर कोई आदमी सच बोलता है तो अल्लाह ताला जिंदगी के कितने मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह ताला बंदे के लिए निकलने के रास्ते को अल्लाह ताला पैदा करते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने असहाबुल गार के वाकये में अल्लाह ताला ने उन तीनों को अल्लाह ने निकलने का रास्ता सच बोलने के जरिए से पैदा किया। उसके बाद आप इस चीज़ को भी जान लें कि जब झूठ बोलना इतनी खतरनाक आदत है, इतनी खतरनाक चीज़ है, तो इस बात को आप जान लें, सच बोलना एक ऐसी आदत है कि जो कोई आदमी सच्चाई को लाजिम पकड़ता है अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम इंसानों के सामने, तमाम लोगों के सामने अल्लाह ताला उस आदमी का नाम बतौर खास अल्लाह ताला सिद्दीक लेकर पुकारते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन युतिअल्लाह व रसूल फाउलाइक मअल्लदीन अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइक रफीका। इस आयत के अंदर अल्लाह ने इस बात का पैगाम दिया कि जो कोई आदमी सच बोलता है और सच्चाई को लाजिम पकड़ता है अल्लाह ताला कयामत के दिन उस आदमी को अल्लाह ताला अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ अल्लाह ताला उसे उसका हिसाब किताब लेंगे। तो मालूम यह हुआ इस दुनिया की सबसे अधीम हस्तियां जो है अंबिया है, सिद्दीकीन है और शुहदा है, और जो कोई आदमी इस जिंदगी में सच बोलने को लाजिम पकड़ता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका हिसाब किताब अंबिया और सिद्दीकीन के साथ लेगा। चलिए यहां पर इस मसले को भी जान लें कि बात लोग झूठ बोलने को अपनी आदत बनाते हैं, अब ऐसा औकात झूठ बोलकर लोगों को हंसाते भी हैं। बाज लोग लाफ्टर के चैनलों में आप देखे होंगे कि झूठ बोलकर लोगों को हंसाते हैं ताकि लोग उनके मस्करेपन को देखकर हंसें। लाफ्टर चैनलों में ऐसा आता है कि वाकया कुछ और होता है लेकिन वो लोग झूठ मिलाकर लोगों के सामने लोगों का इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई आदमी झूठ बोलकर लोगों को हंसाता है, मजाहिया बातें करता है ताकि लोग उसकी बात को सुनकर हंसे, हंसी अख्तियार करें, अल्लाह के नबी ने कहा फवैलुल्लाह फवैलुल्लाह, उस आदमी के लिए वैल है, उस आदमी की तबाही है, उसके लिए बर्बादी है। तो मालूम यह हुआ कि बाज लोगों ने इसको कमाई का जरिया बना लिया है। जितना लोगों को हंसाएंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, जितना आप लोगों को इंटरटेनमेंट करेंगे आपको उतना आपका व्यूवर्स बढ़ेंगे, आपके क्या है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो बाद लोगों ने इसको भी अपना कारोबार बना लिया, जबकि ये कारोबार जो है इनके लिए हलाकत का जरिया है। तीसरी चीज, बाद लोगों ने झूठ के सहारे अपने कारोबार को चमका दिया है। जितना झूठ बोलेंगे कारोबार उतना चमकेगा। आज मसला ये है कि जो आदमी सच बोलता है उसका कारोबार जो है कम हो जाता है, और जितना आदमी झूठ बोलता है उसका कारोबार उतना डेवलपमेंट होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कारोबार करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, जितना आप झूठ बोलेंगे आपका कारोबार उतना डेवलप होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई आदमी झूठ बोलकर
झूठी कसम खाकर लोगों के सामने कारोबार करता है, गलत चीज को भी सच बोलकर लोगों के सामने उस चीज को बेचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के अल्लाह ताला उस आदमी को जहन्नम की आग में डालेंगे। तो मालूम यह हुआ कि जो कोई आदमी गलत चीज को भी कसम खाकर सच बोलकर उस चीज को बेचता है, हालांकि गलत चीज है लेकिन सच्चाई की कसम खा रहा है और उस कारोबार को वो आदमी डेवलप कर रहा है, गलत चीज को भी कसम खाकर लोगों को बेच रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अदा उसकी ऐसी अदा है जो इस अदा को लेकर आदमी जहन्नम की आग में जाएगा। लेकिन इस बात को जान लें, तीन मकामात ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना जायज है। उसमें से एक मकाम ये भी है कि अगर शौहर बीवी में झगड़ा होता है, अगर शौहर अपनी बीवी के सामने कुछ झूठ बात कहता है तो ये झूठ झूठ नहीं है, इसको जायज करा दिया गया है। इस तरीके से अल इस्लाह बैनास, दो दोस्त हैं, आपस में झगड़ा हो गया, अब दोस्त नहीं समझ रहा है, तब आप अपने दोस्त को समझाने के लिए अगर झूठ कुछ गुफ्तगू करेंगे तो ये भी झूठ जायज है। और तीसरी चीज जहां पर झूठ जायज है वो जंग के मैदान में जायज है। ये तीन मकाम ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना जायज है। इसके अलावा चौथा कोई और मकाम नहीं जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं, ये तीन मकाम सिर्फ हैं। अब इसके अलावा चौथा मकाम अगर आपको देखना है तो फिर आपको पूरे अहदीस को आप खंगाल लें, कुरान की पूरी आयतों को आप खंगाल लें, कहां भी चौथी चीज की सूरत आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह से बस मैं यही दुआ करता हूं कि जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उन बताए हुए बातों के मुताबिक, सबसे पहले मुझे और बाद में आप तमाम को अमल की तौफीक अल्लाह ताला अता करे। अल्लाह ताला हम तमाम को सच बोलने की आदत को अपना शेवा बना कर रखे। अल्लाह हम तमाम को झूठ जैसी आदत से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे। आमीन। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व अतूबु।